पुलिस कंट्रोल अल्मोड़ा से मिली जानकारी के अनुसार तहसील सल्ट के कूपी मोटर मार्ग में एक 42 सीटर बस खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 20 लोगों के हताहत होने की सूचना है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस, राजस्व टीम, फायर ब्रिगेड टीम व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार नैनी डांडा से रामनगर जा रही एक बस आज सुबह करीब 7:30 बजे खाई में जा गिरी। नदी के किनारे गिरी बस में 20 लोगों के मौत होने की सूचना मिल रही है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे का शिकार हुई बस नैनी डांडा के किनात से सवारियों को लेकर जा रही थी। हादसे में कितने यात्रियों की मौत हुई है ये रेस्क्यू होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बस 42 सीटर थी, बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे के बाद कुछ यात्री खुद ही बस से बाहर निकल आए, कुछ लोग छिटक कर नीचे गिर गए। घायल लोगों ने ही जानकारी दूसरों तक पहुंचाई। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है, घायलों को अस्पताल ले जाने का काम किया जा रहा है।